नमस्कार, मैं मंगल सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल माय कंप्यूटर क्लासेस में। आज क्लास में अपन सीखने वाले हैं MS पेंट, नोट पैड, वर्ड पैड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक और गूगल क्रोम को बिना माउस का यूज़ किए चालू और बंद करना सीखेंगे शॉर्टकट की सहायता से। तो सबसे पहले देखते हैं MS पेंट। MS पेंट कैसे चालू करेंगे, सबकी एक ही शॉर्टकट की है, वो है विंडोज़ आर। जैसे विंडोज़ आर प्रेस किया मैंने और यहाँ पर जो भी लिखा रहा है उसको बैक स्पेस हटा देंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे जो भी अपन को सर्च करना है। रन कमांड आ जाएगी और रन कमांड आने के बाद में यहाँ से अपन जो भी सर्च करना है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करने के लिए जैसे कि मेरे को यहाँ पर पेंट सर्च करना है, जैसे मैंने पेंट टाइप किया और यहाँ पर कीबोर्ड से ओके का काम करेगा इंटर। अपन बिल्कुल भी माउस पे हाथ नहीं लगाएंगे, पूरा काम कीबोर्ड से करेंगे। माउस पॉइंटर वहीं पे रहेगा और सारा काम अपन इसे कीबोर्ड से करेंगे। तो जैसे मैंने पेंट लिखा और ओके करेंगे इंटर से तो ये नहीं चलेगा, वापस पीछे आना है अपन को। तो स्केप की दबाएंगे, वापस अपन रन कमांड में आ जाएंगे। स्केप की दबाते ही पेंट लिखा तो नहीं चला, MS और पेंट और इंटर दबाएंगे ओके करने के लिए तो भी नहीं चलेगा, आप इसके दबाते हैं। तो पेंटिंग चालू करने के लिए अपने इसमें रन कमांड में फिक्स कीवर्ड है, वो कीवर्ड क्या है, MS पेंट। स्मॉल या कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे स्मॉल टाइप करो या कैपिटल टाइप करो चल जाएगा, पूरा एक साथ ही टाइप करना है, स्पेस वगैरह नहीं लगाना है अपने को। MS पेंट पूरा एक साथ टाइप करेंगे अपन तो चल जाएगा, और जैसे इंटर दबाएंगे ओके काम इंटर करेगा तो ये चल जाएगा। तो रन कमांड से सबसे पहले अपन देखा MS पेंट चालू करना। अब MS पेंट को बंद कैसे करते हैं, तो बंद करने की शॉर्टकट की सब में सेम है, जैसे चालू करने की शॉर्टकट की विंडोज़ आर है उसी प्रकार से बंद करने की शॉर्टकट की है। कीबोर्ड में से अपन प्रेस करेंगे अल्टर के साथ में F4, अल्टर और F4 प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा। अल्टर और F4 प्रेस किया तो बंद हो गया, वापस विंडोज़ आर प्रेस करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अपन MS पेंटिंग चालू करना सीख लिया, अब सीखते हैं नोट पैड, दूसरा जो आता है नोट पैड। अब नोट पैड चालू कैसे करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर टाइप करते हैं अपन नोट। यदि आपने पहले भी सर्च कर रखा है इसके अंदर रन कमांड के अंदर, एक बार आप सर्च कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन दे देगा, लेकिन फर्स्ट बार आप सर्च कर रहे हो तो ये कोई भी ऑप्शन आपको नहीं देगा। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया नोट पैड, यदि अपन इसमें स्पेस लगा देंगे तो नहीं चलने वाला, नोट पैड सीधा अपन पूरा टाइप करेंगे बिना स्पेस के तो वो चल जाएगा। अब ओके काम करें कीबोर्ड में इंटर, जैसे इंटर दबाएंगे ये चल जाएगा, अपने माउस का यूज़ नहीं किया। अब ये चलने के बाद में रिस्टोर डाउन स्थिति में आया है, ये फुल साइज में नहीं आया, मैक्सिमाइज साइज में नहीं आया। यदि अपन को नोट पैड को मैक्सिमाइज साइज में करना है तो इसकी शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से दबाएंगे अल्टर स्पेस बार और एक्स, अल्टर स्पेस बार और एक्स, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। आज अपन बिल्कुल भी माउस का यूज़ नहीं करने वाले, सारा काम कीबोर्ड से करने वाले हैं। तो तीन शॉर्टकट की अपन ने देख ली, विंडोज़ आर से रन कमांड में जाएंगे अपन और वहाँ से अपन ये MS पेंट, नोट पेड सारे अपन वहाँ से चालू कर सकते हैं, लेकिन सबके अलग अलग फिक्स कीवर्ड है। और यदि आपके कोई भी इनमें से कोई सा भी आपके सारे जो अपन सीखने वाले हैं आज, एक्सेस, आउटलुक वगैरह, नोट पेड, वर्ड वगैरह, इनमें से कोई सा भी आपका अगर रिस्टोर डाउन स्थिति में आता है और आपको मैक्सिमाइज करना हो, उसकी शॉर्टकट की अल्टर स्पेस बार और एक्स। बंद करने की शॉर्टकट की भी सब में सेम है, अल्टर के साथ में F4, अल्टर और F4 प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। दो देख लिए अपन ने MS पेंट और नोट पैड, अब तीसरा देखते हैं वर्ड पैड। विंडोज़ आर प्रेस करते हैं, विंडोज़ आर प्रेस करने के बाद में यहाँ जो भी आया उसको हटा देंगे बैक स्पेस से और यहाँ पर टाइप करेंगे वर्ड पैड, वर्ड पैड। मैंने पहले भी इसमें सर्च किया है तो ऑप्शन दे दिया उसने, और अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑप्शन दिया हुआ तो चारों एरो की से उनसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। वर्ड पेड लिखा और कीबोर्ड से इंटर दबा देंगे। वर्ड पेड आप चाहे कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्पेस नहीं लगाएंगे वर्ड और पेड के बीच में, पूरा लिखेंगे वर्ड पेड और कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे तो ये चल जाएगा। जैसे कि फुल साइज में आ गया, यदि अगर ये फुल साइज में नहीं आता तो अपने पास शॉर्टकट की है अल्टर स्पेस बार और एक्स। अब वर्ड पेड चलने के बाद में इसको बंद करने का सेम तरीका, अल्टर के साथ में कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे डायरेक्ट बंद हो जाएगा।
विंडोज़ आर प्रेस करते हैं। अब देखते हैं वर्ड। वर्ड के बारे में बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि रन कमांड में से वर्ड को कैसे चालू किया जाता है। चार ऑप्शन दे दिया जाता है, जैसे कि आपको एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पूरा दे दिया, या आपको दे दिया वर्ड और एक दे रखा है विन वर्ड। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ज़्यादातर लोग जो करके आते हैं वो है करके आते हैं वर्ड। तो वर्ड लिखा मैंने और जैसे इंटर दबाऊंगा तो वर्ड नहीं चलने वाला। वापस रन कमांड में जाना है अपन को, तो एस्केप की यूज़ करेंगे, रन कमांड वापस देंगे। तो वर्ड मैंने दबाया तो नहीं चला। जैसे कि एक और ऑप्शन उसमें दे रखा था एमएस वर्ड, तो ये एमएस वर्ड भी चालू करके देखते हैं और इंटर दबाएंगे तो एमएस वर्ड भी नहीं चलने वाला, एस्केप की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखेंगे तो भी वो भी नहीं चलने वाला, लेकिन इसे चालू करने का एक ही तरीका है, वो है विन वर्ड। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि रन कमांड में से वर्ड चालू करना हो तो उसके लिए स्पेशल कीवर्ड है विन वर्ड, बिना स्पेस के पूरा लिखना है। विन वर्ड लिखा और कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड चल जाएगा। लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, सारे में सेम ही है, किसी में भी आप यूज कर सकते हो। बंद करना हो तो कीबोर्ड से दबाएंगे अल्ट के साथ में F4, तो वो बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्सेल। विंडोज़ के साथ में R प्रेस करेंगे, रन कमांड का ऑप्शन आ जाएगा, और यदि अपन यहाँ पर टाइप करेंगे MS एक्सेल टाइप करेंगे, EXEXCEL MS एक्सेल टाइप किया अपन ने और कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे तो MS एक्सेल नहीं चलने वाला। इसके लिए भी फिक्स कीवर्ड है, वापस पीछे जाना है, स्केप की दबाएंगे रन कमांड वापस आ जाएंगे। और इसके लिए कीवर्ड है एक्सेल, EXCEL एक्सेल, नॉर्मल एक्सेल टाइप करना आपको तो चल जाएगा, और कीबोर्ड से ओके काम करेगा, इंटर ओके किया तो एक्सेल चल गया। तो जैसे वर्ड के लिए विन वर्ड, एमएस पेंट के लिए एमएस पेंट पूरा लिखेंगे अपन, एमएस पेंट लिखेंगे बिना स्पेस के, स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नोट पैड के लिए सिंपल नोट पैड ही आपको टाइप करना है विदाउट स्पेस, वर्ड पैड भी विदाउट स्पेस टाइप करना सिंपल। और वर्ड के लिए विन वर्ड हो गया, और एक्सेल के लिए नॉर्मल एक्सेल टाइप करना है। बंद करने के लिए अल्ट के साथ में F4 दबाएंगे, बंद हो जाएगा। अभी तक अपने बिल्कुल भी माउस का यूज़ नहीं किया, सारा काम कीबोर्ड से कर रहे हैं अपन, माउस बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे। विंडोज़ आर प्रेस किया, और इसके बाद में अपन यूज़ करेंगे पावर पॉइंट चालू करना, कैसे कैसे सीखते हैं। तो पावर पॉइंट चालू करना हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पावर, POWER पावर पॉइंट, POINT पावर, ये पावर पॉइंट लिखा, POINT पॉइंट हो गया। अब कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे तो पावर पॉइंट नहीं चलने वाला। इसके लिए भी फिक्स कीवर्ड है, और इसके लिए फिक्स कीवर्ड कौन सा है वो देखते हैं अपन। बैक स्पेस हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे पावर, पावर तो लिखना ही है, पावर के बाद में लिखना PNT। एक बार आप रन कमांड में सर्च कर लोगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा और आप चारों एरो की से सेलेक्ट करके चला सकते हो। तो पावर PNT इसके लिए भी स्पेशल कीवर्ड हो गया पावर PNT, और कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे तो ये पावर पॉइंट चल जाएगा। तो पावर पॉइंट का विशेष रूप से ध्यान रखें, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। रन कमांड चालू करना हो तो क्या है इसका, पावर PNT। बंद करना हो तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ में F4 प्रेस करेंगे, बंद हो जाएगा। वापस विंडोज R प्रेस किया। अब नेक्स्ट देखते हैं MS एक्सेस। यदि अपन को MS एक्सेस चालू करना है तो जैसे मैंने एक्सेस टाइप किया, ACCESS एक्सेस टाइप किया और कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे तो एक्सेस नहीं चलने वाला। वापस पीछे जाना है तो एस्केप की दबाएंगे, आप पीछे आ जाएंगे। आप नोटबुक में ये सारे नोट कर सकते हो ताकि आप कभी भी याद कर सकते हो, और कभी भी भूल जाओ तो उसमें आप देख सकते हो और याद कर सकते हो। तो ये सबको याद कर सकते हो, इनके फिक्स कीवर्ड है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हो अपने लिए नोटबुक में। तो इसके लिए MS एक्सेस लिखेंगे विदाउट स्पेस, MS एक्सेस स्मॉल या कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। MS एक्सेस लिखा और कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे तो ये एक्सेस चल जाएगा, MS एक्सेस। बंद करना हो तो सेम कीवर्ड, सेम शॉर्टकट की है, अल्ट के साथ में F4। नेक्स्ट विंडोज R प्रेस किया, और नेक्स्ट शॉर्टकट की चालू करना सीखते हैं अपन आउटलुक। आउटलुक के लिए अपन जैसे कि एक्सेस के लिए अपन ने MS एक्सेस लिखा और इंटर दबाया तो चल गया, तो इसके लिए भी MS आउटलुक लिखते हैं। MS आउटलुक लिखेंगे बिना स्पेस या स्पेस साथ लिखेंगे तो ये नहीं चलने वाला, जैसे इंटर दबाएंगे तो ये नहीं चलेगा।
वापस पीछे जाना है स्केप की, इसके लिए भी फिक्स कीवर्ड है वो है आउटलुक। आउटलुक से चल जाएगा, नॉर्मल आउटलुक लिखोगे, आउट और लुक में कभी स्पेस नहीं लगाना, और कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे तो ये चल जाएगा आउटलुक। बंद करने के लिए भी सेम कीवर्ड है, अल्ट के साथ में F4 प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक हो गया। और आज का जो लास्ट सबसे बचता है वह है गूगल क्रोम। अपने को कुछ भी चीज़ सर्च करना हो तो अपन माउस की सहायता से क्रोम ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, लेकिन अपन बिना माउस का यूज़ किए भी क्रोम चालू कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप अगर आप नहीं है, आपके अंदर पड़ा हुआ है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो विंडोज़ R प्रेस किया, किसी किसी दूसरे कंप्यूटर पर आप यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप किसी का यूज़ कर रहे हो, तो विंडोज़ R प्रेस किया, रन कमांड आ जाएगी, और इसके बाद में बैक स्पेस से जो भी लिखा हुआ कीवर्ड है उसको हटा देंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ गूगल क्रोम। ये गूगल क्रोम टाइप किया और कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे तो गूगल क्रोम नहीं चलने वाला। इसके लिए भी फिक्स कीवर्ड है, यदि अपन गूगल लिखेंगे और कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे तो भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या कीवर्ड है वो देखते हैं, क्रोम। सिंपल, किसी दूसरे के मोबाइल में या सॉरी लैपटॉप में चालू करना हो आपको कोई रन कमांड से, तो केवल टाइप करना आपको क्रोम, और जैसे आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर टाइप करोगे रन कमांड के अंदर क्रोम और इंटर दबाओगे तो गूगल क्रोम चल जाएगा और आप यहाँ पर कुछ भी सर्च वगैरह कर सकते हो। इसको बंद करने की भी सेम है अल्ट के साथ में F4। तो अपन ने MS पेंट, नोट पेड, वर्ड पेड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, गूगल क्रोम, सभी को अपन ने रन कमांड की सहायता से चालू करना और बंद करना भी सीखा अपन ने। तो विंडोज़ R प्रेस करेंगे तो रन कमांड आ जाएगी और सबके अलग अलग कीवर्ड है, उनको अपन याद कर सकते हैं और यहाँ से अपन चालू कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर ग्राम में। बहुत सी बार डेस्कटॉप पर नहीं होता है, ढूंढना पड़ता है, तो डायरेक्ट ये अच्छा तरीका है, यहाँ से अपन पीजी रूप में चालू कर सकते हैं इसको। और इसके बाद में यदि आपको बंद करनी है, जैसे कि चालू करने के लिए विंडोज़ R है और बंद करना हो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई सा भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो उसको बंद करना हो, तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ में F4 प्रेस करते हैं तो बंद हो जाएगा। और यदि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से आपका अगर मैक्सिमाइज नहीं आया है, रिस्टोर डाउन में आया है, छोटे साइज में आया है आपके, उसको फुल साइज में करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो अल्टर, स्पेस बार और एक्स का प्रयोग करते हैं। तो तीन शॉर्टकट की से अपन बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आज क्लास यही समाप्त करेंगे, लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।